मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। सुरडा का संस्कृत अर्थ है सुरो प्लस अड्डा। सुरडा यानी देवताओं की जगह। ऐसी लोक कथा भी प्रचलित है कि सुरडा का मतलब है खुशबू वाला फूल। आदिवासी कोंधो भाषा में खुशबू वाले फूल को सुरडा कहते हैं, क्योंकि उस जमाने में यहाँ पर ढेर सारे खुशबू वाले फूल हुआ करते थे। जब ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों ने गांव वालों से पूछा कि इस जगह का नाम क्या है, लोगों ने कहा सुरडा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वेलकम टू सुरडा। सुरडा उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले का एक बेहतरीन शहर है। सुरडा की दूरी ब्रह्मपुर से तकरीबन 75 किलोमीटर है और भंजनगर से करीब 25 किलोमीटर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार सुरडा की कुल आबादी लगभग 15,000 है। सुरडा का हॉस्पिटल काफी साफ सुथरा और सुसज्जित है। हॉस्पिटल चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, मेरी तो यही कामना है, भगवान कभी किसी को हॉस्पिटल के दर्शन ना कराए। मैं चाहता हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। ये हॉस्पिटल शायद ही इकलौता ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर बुजुर्गों के लिए जिम है और युवाओं के लिए सेल्फी पॉइंट। क्या कभी आपने ऐसा देखा है? सुरडा एक छोटा सा टाउन है। आपको यहाँ किसी को एड्रेस पूछने की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि हर गली के सामने उस गली का नेम प्लेट लगा हुआ है। सो आप इसे एक छोटा मोटा प्लांट टाउन भी कह सकते हैं। लगभग हर गली में एक मंदिर का होना तय है। क्या आप शहरों में इसकी कल्पना कर सकते हैं? साग सब्जी आपको यहाँ पर घर बैठे ही मिल जाता है। बेचने वाले और खरीदने वालों की नोकझोंक देखते ही बनती है, चाहे वो दाम को लेकर हो या फिर वजन को लेकर। काफी दिलचस्प होती है। बेचने वाला कसम खा लेता है कि वो दोबारा कभी इसी गली में नहीं आएगा। यकीन मानिए, अगले ही दिन सवेरे सवेरे पुकारता हुआ चला आता है। यही तो खूबसूरती है गांव की, है ना? मुड़ी मिक्सचर उड़ीसा का एक फेमस आइटम है। हर उम्र के लोग इसे खाना पसंद करते हैं। इसकी कीमत लगभग 10 रुपए है। आत्मनिर्भरता क्या होती है इसे जानना हो तो आपको एक बार गांव का रुख करना होगा। आप यकीनन समझ जाएंगे, इतने मॉडर्न इक्विपमेंट्स आने के बाद भी हमारे ग्रामीणों के हाथ से बने हुए वस्तुओं का कोई मोल नहीं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप गांव में बने हस्तशिल्प को प्रोत्साहन करें और इनको उचित दाम दें और इनकी रोजी रोटी कमाने में आप अपना सहयोग दें। सुरडा और
आसपास की सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड की सुविधा भी यहां उपलब्ध है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि महान सोशल रिफॉर्मर और उड़ीसा के पहले न्यूज़पेपर दैनिको आशा के एडिटर और को-फाउंडर शशिभूषण रथ जी का जन्म सोरडा में हुआ था, न कि आज सोरडा में उनके नाम से एक स्कूल और एक कॉलेज है, बल्कि बरमपुर का SBR वुमेन्स कॉलेज इन्हीं के नाम से रखा गया है। सोरडा में 17वीं सदी की बनी पुरानी मस्जिद और एक दरगाह भी है, जिसे काफी अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। सन 1916 से सन 1919 में बना एक रोमन कैथोलिक चर्च भी उतना ही मशहूर है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सोरडा का संस्कृत अर्थ देवों का स्थान है। शायद इसीलिए सोरडा में लगभग 26 से भी ज्यादा नामी मंदिर हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और एक दिन दर्शन का प्रोग्राम तो बना ही सकते हैं। अगर आप हर मंदिर के दर्शन के लिए सोचेंगे तो शायद आपको एक पूरा दिन भी कम पड़ सकता है। हर एक मंदिर का अपना एक इतिहास है, कुछ विशेषताएं हैं। किसी मंदिर को राजा ने बनाया है तो किसी मंदिर को प्रजा ने। बहुत सी ऐसी मंदिर हैं जो मैं मिस कर गया और वीडियो शूट नहीं कर पाया, शायद वक्त की कमी की वजह से। बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क यहाँ के मेन अट्रैक्शनों में से एक है, काफी सुंदर, काफी मेंटेन्ड। सोरडा में भले ही रेलवे स्टेशन ना हो, लेकिन चिल्ड्रन पार्क में रेलवे स्टेशन जरूर है। पार्क की एंट्रेंस फीस बड़ों के लिए 5 रुपए और बच्चों के लिए 3 रुपए है। सोरडा का सबसे मशहूर जगह यहाँ का डैम है और खुंटेश्वरी हिल। ये एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। कम से कम एक बार अपने फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ सोरडा जरूर आए। सोरडा की खाई को एंजॉय करें, पार्क्स एंजॉय करें। बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। यकीनन आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम कहाँ कहाँ नहीं जाते, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारे नज़ारे हैं, हम मिस कर जाते हैं। मुझे मुश्ताक शरीफ को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक अच्छे से डेस्टिनेशन में एक अच्छी सी स्टोरी के साथ किसी और दिन। आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। अलविदा दोस्तों।